मुबीन तुम्हें पता है 5 जून को क्या हुआ था? 5 जून को शदीद गर्मी पड़ी थी जिसकी वजह से कायद आजम की नानी फोत हो गई थी। चुप कर बे कुत्ते। हाँ 5 जून को मेरे एक दोस्त की वफात हुई थी। पार्टी बदल लिया साला। पान खाना है आपने? जी। कोई शर्म करे, पान नहीं खाते। ये देखें हमें 1 लाख बिल आ गया है। ये देखें हमारे घर के सामने एक पोस्टर लगा के चले गए हैं और ये वार्निंग दे गए हैं कि अगर आपने बिल ना उतारा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। हमारा बिल 1 लाख क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने बीवी बच्चों के साथ खुश होंगे और जिनके पास बीवी नहीं है अल्लाह उन्हें भी दे। क्या बोला तूने? हमारे घर मेहमान आने वाले थे काफी दूर से और उनके लिए बिस्कुट वगैरह लेने थे और हमारे इलाके में एक बेकरी है, वहाँ से सस्ते म्यारी और अच्छे बिस्कुट मिलते हैं, वहाँ पे चलते हैं पहले, वहाँ से लेंगे बिस्कुट। आप देख रही है मेरी दाढ़ी और मेरे बाल, सड़के बाल काफी बड़े हो चुके हैं, इन्हें भी कटवाना है। चलो चलते हैं, बारो बारी सारे काम करते हैं। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं अपने इलाके की बेकरी में। हम हमेशा इसी बेकरी से सामान वगैरह लेते हैं, चेक करते हैं बेकरी आज खुली है कि नहीं। आज भी लेने आए हैं सामान। गाइज हमने काफी देर दरवाजे को नोक किया है, काफी खड़काया लेकिन अभी तक नहीं खोला इन्होंने। टाइम काफी हो चुका है, ये सुबह सुबह दरअसल खुली होती है और दोपहर टाइम बंद हो जाती है, इसलिए मैं शायद लेट हो गया हूँ, इसलिए ये बंद हो गई है। गर्मी है, गर्मी की वजह से मैं बहुत तंग आता हूँ बालों की वजह से। बाल वैसे अच्छे लगते हैं बड़े, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं होती। चलो फिर करवाते हैं आज कटिंग, चलो चलते हैं। मैं छोटे भाई के साथ ही गया था और मैं ध्यान दे रहा था, छत पे एक आंटी आई थी और वो कैमरा देख के तो अंदर चली गई। उनको डाउट हुआ कि शायद कोई मीडिया वाले हैं, कुछ छापा मारने आ गए, क्योंकि हम अपना व्लॉग जो है ना वो कैमरे से शूट करते हैं। उनको शायद मैं भी कुछ डर था कि शायद कुछ छापा मारने वाली टीम आ गई है, इसलिए हम वापस आ गए। चले हम जो बाकी काम है वो करते हैं। कल 5 जून 2024 मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हुज़ैफा की बर्थडे आ रही है और इस दफा हमने सोचा है कि बर्थडे इसकी करेंगे, सब दोस्तों के साथ मिलकर प्लान भी करना है। आज सब दोस्तों के पास जाऊंगा और प्लान करेंगे और किस रूम में करनी है, कहाँ पे करनी है बर्थडे, क्या क्या सामान लेकर आना है, सबकी प्लानिंग करेंगे, पैसे वगैरह इकट्ठे करेंगे। उससे पहले मैं करवा लूँ अपनी कटिंग। कटिंग करवाने से पहले मैं अपना सर एक दफा लाजमी धो लेता हूँ ताकि बाल अच्छी तरह कट हो सके। फाइनली गाइस मैंने अपना सर धो लिया और सुकून मिल गया सर धोने से, और मजीद सुकून लेने के लिए चलते हैं सलून। मामा ने साथ कहा है कि चूजों के लिए बाजरा और फीट लेके आना वापसी पर, फीट भी लेनी है और कटिंग भी करवाते हैं। चलो चलते हैं सलून पे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं दुकान पे, सामने शॉप है, दिखाएं अली हेयर सलून। पहले अली हेयर सलून की दुकान ये थी, इसकी वाइफ ने इस सामने दुकान खोल ली है, शोहर इसका वहाँ पे चला गया और वाइफ यहाँ पे आ गई है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर कर रहे हैं काम। अब चलते हैं अली हेयर सलून पे क्योंकि यहाँ पे नहीं जा सकते। ये आ गया सलून और सलून के भाई, उठो कटिंग करवानी है। इस भाई से मैं हमेशा कटिंग करवाता हूँ और आज भी इसी से ही करवाऊंगा। करते हैं कटिंग मेरी, सही करना कट वगैरह ना लग जाए। फाइनली गाइस कटिंग हो चुकी है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि मैं प्यारा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, मेरी पहले लुक कैसी थी और अब कैसी है, कमेंट्स में लाजमी बताना। पहले ऐसे लग रहा था जैसे ये जेल से उठ के आए हैं, आप माशाल्लाह देखें कि लुक कैसे लग रही है। ये सन भाई ने काम किया, ये बहुत बड़े कारीगर हैं, अच्छा ये यूसुफ पार्क में रहते हैं। शुक्रिया भाईजान, आपने बहुत अच्छी कटिंग की है, मुझे बहुत पसंद आई है, अगली बार भी इंशाल्लाह इधर ही आइएगा। आपने फोटो क्या करनी है, किसी लड़की को दिखानी है? किसी लड़की को दिखानी है फोटो, फिर क्या करनी है फोटो? कुछ नहीं, मौज करो मस्ती करो। ये अब चीनी लेने जा रहे हैं, ये पैसे हमारे पास चीनी लेने जा रहे हैं। ये भाई मुझे कह रहा पान खिला दो मुझे, मैंने बोला कौन सा खाना, ये बोल रहा है 300 वाला खाना पान। मैंने इसको बोला वो 100 रुपए का एक पान है, वो बहुत महंगा है, कम प्राइस वाला खा ले पान। पान खाना है आपने? जी। शर्म करे, पान नहीं खाते यार। यार जोन से खाते हैं पान, अच्छी बात नहीं है। मैं तो बचपन से खा रहा हूँ पान, मैं इतना सा था मैं बचपन में खा रहा, फिर भी ये पान वगैरह खाने से बचे थोड़ा सा, ये नुकसान तो है, ये पान परहेज करें थोड़ी सी, आहिस्ता आहिस्ता, आपको आदत डल गई हुई ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म भी करें। करते हैं भाई। दिन में कितने खाते हैं? दिन में 10-12 खा लेता हूँ। ओ तेरी
दस बारह पान खा लेते हैं, थोड़े से कम करें, ऐसा ऐसा आठ करें, छह करें, चार करें, कम करें भाई। कम तो नहीं होएंगे, चुप कर कुत्ते, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करें, कोशिश कर रहा हूँ। सही भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इन लड़कों को कैमरे के पीछे भी बड़ी समझाने की कोशिश की है कि पान, नशा वगैरह, सिगरेट वगैरह छोड़ दें, कंट्रोल करें इस पर, लेकिन ये कह रहे हैं हमें आदत डल गई है, हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया आपका? बिल्कुल ठीक, फिट फाट। ये है मेरा दोस्त, इसका नाम है मुबीन अकरम, इसे हम प्यार से अकरम कहते हैं, मुबीन नहीं कहते। जी भाई, मुबीन तुम्हें पता है 5 जून को क्या हुआ था? 5 जून को शदीद गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से कायदे आज़म की नानी फोत हो गई थी। नहीं नहीं, कुछ और बताओ, 5 जून को क्या हुआ था? 5 जून को छदरे मोर का पुल बना था। याद 5 जून को क्या हुआ था? हाँ, 5 जून को मेरे एक दोस्त की वफात हुई थी। वफात नहीं हुई भाई, साल की रात थी। ओ यार मैं भूल गया, उस दिन वो आया था इस दुनिया में, बोझ बन गया था इस दुनिया में, जिसकी वजह से बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। ठीक हो गया, 5 जून को इसकी बर्थडे पे लाजमी आना है अपने। सही, इंशाल्लाह आएंगे। सही है, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। दोस्तों, जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे मेरे व्यूवर आके मिलते हैं और वो डिमांड यही करते हैं कि भाई हमें अपने व्लॉग मिलें। मैं आगे से किसी को इग्नोर नहीं करता कि भाई मैंने आपकी वीडियो नहीं बनानी। मुझे बहुत खुशी होती है दिली तौर पर कि मुझे मेरा व्यूवर आकर रियल में आकर मिल रहा है। दोस्तों, हमारे घर के गेट पर एक पोस्टर लगा है, मैं उसे पढ़कर बहुत ज़्यादा सैड हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि अब क्या होगा। मैं आप लोगों को वो पोस्टर दिखाता हूँ कि क्या हुआ है, वो पोस्टर किसने लगाया और क्यों लगाया। ये देखें, गेट पर एक पोस्टर लगा है, ये है वो पोस्टर। ये देखें, हमें 1 लाख बिल आ गया है। ये देखें, हमारे घर के सामने एक पोस्टर लगा के चले गए हैं और ये वार्निंग दे गए हैं कि अगर आपने बिल ना उतारा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। हमारा बिल 1 लाख क्यों आया? हमारा बिल इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि ये जो हमारे किराएदार है ना, इन्होंने काफ़ी अरसा से पानी का बिल तारा ही नहीं। वैसे हमारा फ़िल्टर का सिस्टम है, इसलिए हमें सरकारी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो किराएदार है ना, ये सरकारी पानी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इतने अरसे से बिल नहीं तारा। ये गैस और बिजली का बिल तार रहते थे लेकिन पानी के बिल को इग्नोर करते थे। वो पानी वाले आखिरी वार्निंग दे के गए हैं कि अगर आपने इस दफ़ा नहीं तारा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, रात को पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा पानी के बिल का क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे ये व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।